नमस्कार, इंक्लूसिव बॉलीवुड में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों मेरा नाम है महेश विश्वकर्मा। दोस्तों साल 2020 की मच अवेटेड फिल्म राधे योर मोस्ट वांटेड भाई के बारे में तो हम सभी लोग जानते हैं, जिसमें बॉलीवुड के दबंग स्टार सलमान खान नजर आएंगी। उनके अपोजिट लीड रोल में दिशा पाटनी नजर आएंगी। जबकि दोस्तों फिल्म की स्टोरी थ्रिलर एक्शन से भरपूर होने वाली है और ये फिल्म है साल 2020 में ईद के शुभ अवसर पर रिलीज होने वाली थी, लेकिन आपको बता दें कि अब ये फिल्म ईद के शुभ अवसर पर नहीं रिलीज की जाएगी, क्योंकि दोस्तों लॉकडाउन की वजह से फिल्म का काम अधूरा है। फिल्म की शूटिंग वगैरह कम्प्लीट नहीं हो पाई है, तो दोस्तों जिसकी वजह से फिल्म को अभी साल 2020 में ईद के शुभ अवसर पर नहीं रिलीज किया जा सकता है। जबकि दोस्तों फिल्म राधे को लेकर के हाल फिलहाल में जो खबर आई थी कि जो फिल्म है राधे, अब इस फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया जाएगा, यानी कि इंटरनेट पर रिलीज किया जाएगा, इस बात को लेकर के काफी सारी खबरें आई थी। दोस्तों साथ ही साथ इस बात का भी खुलासा किया गया था कि OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज करने के लिए फिल्म को 250 करोड़ रुपए का ऑफर भी मिला है। लेकिन आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कि जो फिल्म है OTT प्लेटफॉर्म पर नहीं रिलीज की जाएगी। दोस्तों फिल्म की रिलीज को लेकर के बहुत बड़ा हंगामा हो गया है। जैसा कि दोस्तों हम सभी लोग जानते हैं कि सलमान खान को बॉक्स ऑफिस का किंग कहा जाता है। सलमान खान की फिल्में बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छा खासा कलेक्शन करती हैं। तो वैसे में दोस्तों सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार सलमान खान की फिल्म राधे 250 करोड़ में कैसे रिलीज की जाएगी। और ऐसे में सबसे बड़ी बात यह है कि सारी की सारी फिल्मों को अगर OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज कर दिया जाएगा तो सिनेमा हॉल्स का क्या होगा। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि इंडिया में इससे बढ़कर एक बड़े बड़े सिनेमा हॉल हैं, और सिनेमा हॉल में अगर सभी फिल्में नहीं रिलीज की जाएंगी तो सिनेमा हॉल बर्बाद हो जाएंगे, और सिनेमा हॉल्स के जो संचालक हैं, जो उनपे काम करने वाले लोग हैं, उनका क्या होगा। उनका जो बिजनेस है जो कि फिल्मों से ही चलता है सिनेमा हॉल के संचालकों का, सुबह से दोस्तों काफी प्रभाव पड़ने वाला है सिनेमा हॉल के संचालकों पर। तो इसी बीच दोस्तों इस बात को लेकर के काफी सारा विवाद हुआ है कि आखिरकार जो फिल्में हैं, बड़ी बड़ी फिल्में हैं, उनको सिनेमा हॉल में ही रिलीज किया जाए। तो वैसे में दोस्तों ये देखना काफी दिलचस्प होने वाला है कि आखिरकार राधे जो मूवी है सलमान खान की, वो सिनेमा घर में रिलीज की जाती है या OTT प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों देखना काफी दिलचस्प होने वाला है। सो वैसे में दोस्तों आपका क्या रिएक्शन है, आपकी क्या राय है इसके बारे में, कुछ भी कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाएं और अपनी राय जरूर दें। तो दोस्तों बॉलीवुड से जुड़ी इसी तमाम खबरें जानने के लिए वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।